के बारे में लगता है कुछ पता नहीं रहता है। काल बेचारा शिक्षक दो चार दस दिन पर पढ़ाई में मन लगाना शुरू करते हैं कि चलिए अब ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में नहीं सोचना है, कि आप तो आते हैं जनता के दरबार में मंत्री वाला कार्यक्रम में आपको ड्यूटी मिला हुआ है, पार्टी दफ्तर में आते हैं मीडिया वाला लगाता है बोल देते हैं, हर सप्ताह में आप जब सप्ताह में एक बार आते हैं और वही राग लाभ देते हैं कि विकलांग को, महिलाओं को, विशेष परिस्थिति वाले को जो है सो हम ट्रांसफर होंगे। अरे भाई किसको, सक्षमता वाले को, नियोजित वाले को कि बीपीएससी वाले को, खुलकर बोलिए ना भाई, काहे गोल गोल घुमाते रहते हैं। केस का सुपरविजन करते करते जीवन भर भी सुपरविजन करते रह जाइएगा, ये पुलिस का सुपरविजन नहीं है श्रीमान, जहां कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, अंत में लिख देता है अनुसंधान जारी रहेगा, चाहे वो फांसी की सजा कायम हो जाती है, अंत में एक लाइन लिख देगा कि अनुसंधान जारी रहेगा। तो वही आप शिक्षा विभाग को कर दिए हैं कि तबादला जारी रहेगा। अरे भाई कौन पोर्टल पर करेगा, इस शिक्षा कोर्स पर अभी तक ये आपका ऑप्शन आया है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करने के लिए, कौन पोर्टल पर करेगा? और सिद्धार्थ जो है अपना गेट पर टांग दिए हैं कि कोई आवेदन यहाँ नहीं स्वीकार किया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो आप लगता है इसका मतलब विभाग में आप रहते ही नहीं है, या फिर विभाग में रहते हुए भी अलूप रहते हैं कि विभाग में हो क्या रहा है, आपके बाएं हाथ का तरफ क्या हो रहा है, दाहिने तरफ क्या हो रहा है, कुछ आपको लगता है पता नहीं है? कैसे कह दीजिए भाई कि ट्रांसफर हम इसी महीने सितंबर में हम कर देंगे, जनगणना शुरू होने वाला है, क्या क्या घोषणा होने वाली है, आप कैसे कह दिए? अरे कौन सा शिक्षक नियोजित कि बीपीएससी सबको ये लाभ मिलेगा, स्पष्टता के साथ कहिए ना क्यों ये गोल गोल घुमा रहे हैं। जो जो सच है वो सच कुछ बोलने में क्या दिक्कत है कि कह दीजिए कि अभी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकता है, अभी प्रोसेस में समय लगेगा, आपको आदि पोर्टल पर डाल देने के लिए, किस पोर्टल पर? आपको पता है कि पोर्टल बना है कि नहीं बना है? सो मंत्री जी ऐसे मत करिए भाई, कुछ जिम्मेवारी नीतीश कुमार जिम्मेवारी के तहत आपको मंत्री बनाए, आप पढ़े लिखे बताइए, डीजी रह चुके हैं बिहार पुलिस के, हैं उस दौर में बिहार के टॉप स्कूल में आपने पढ़ाई की है, आईपीएस बना, भाई आपसे लोग ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि नॉन सीरियस बात करें? बाकी पॉलिटिकली जो लोग आए हुए हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के सहारे जो लोग आए हुए हैं, जो राजनीति करके आए हुए हैं, तो नॉन सीरियस बात कर सकते हैं, लेकिन आप भाई अधिकारी से आप मंत्री बने हैं ना, तो आप कैसे नॉन सीरियस बात कर सकते हैं? और हमको तो ये समझ में आता है कि आप नॉन सीरियस बात कैसे कर पा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। आप कह रहे हैं पोर्टल पर कर दीजिए, पोर्टल पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, शिक्षा कोष में भी ये ऑप्शन खुला ही नहीं है, शिक्षा विभाग अधिकारी से बात करिए, अभी बहुत समय लगेगा वो ऑप्शन आने में, और कहते हैं हाथ से दे दीजिए, नोटिस टंगा हुआ है, आप अपने कार्यालय में लीजिए ना, अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग उनके कार्यालय में पूरा चिपकाया हुआ है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, और आप कहते हैं कि पोर्टल पर नहीं होता है ना, दादा ये मेरे पास आके हाथ से भी जमा कर दें, काहे बेवकूफ बनाते हैं सबको, ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉन सीरियस बात हो जाएगी। और हर सप्ताह में आपका जिस दिन रहता है जनता का दरबार, आप आते हैं मीडिया फूफू लगा देता है बोल देते हैं, जाके विभाग से कभी पूछते भी हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या हो रहा है, क्या तैयारी है, पोर्टल कितना दिन में बन जाएगा, ये जो महिला और दिव्यांग को आप जो लाभ देने की बात कर रहे हैं उसमें बीपीएससी वाले को भी लाभ मिलेगा, एक सिर्फ नियोजित मिला के ही मिलेगा, और अभी जितना 1,80,000 का जो भी जो दक्षता चल रहा है, अभी सक्षमता पास करके जो लोग आए हैं जिसका अभी काउंसलिंग चल रहा है, वो सब कहाँ जाएगा भाई? उस सब का पोस्टिंग का प्रक्रिया कब होगा? हाँ मतलब उस सब का पोस्टिंग का प्रक्रिया नहीं होगा, जो जहाँ है वही रह जाए, और जो जो इन लोग को जो है सो पोर्टल पर अप्लाई कर दे भाई, जो मेन सामने में है जिसका पोस्टिंग होना है, जिसका काउंसलिंग अब काउंसलिंग खत्म होने वाला है, तो उन लोगों का क्या होगा? स्पष्टता के साथ क्यों नहीं बोलते हैं मंत्री जी कि उनका हम ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, कि उसी स्कूल में हम उनको विशेष शिक्षक बना देंगे, घोषणा करिए ना। तो आप जो सामने जो चीज है उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, और हमारा पत्रकार महोदय सब भी उस नहीं है, हम तो जानते हैं ना कि कैसे कौन क्या सवाल करता है, कि भाई जो सक्षमता पास है, जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं जिनका काउंसलिंग हो रहा है, पहले उसकी पोस्टिंग होगी ना, उसका पोस्टिंग नहीं कीजिएगा, सब कुछ काउंसलिंग के बाद सब उसी स्कूल में विशिष्ट शिक्षक घोषित कर दीजिएगा, तो ये भी क्यों नहीं बोलते हैं? जुबान खोलने में पैसा थोड़ी लगता है मंत्री जी, जुबान खोलिए लेकिन गोल गोल मत घुमाइए। पुलिस डिपार्टमेंट में ये रहा है कि अनुसंधान जारी है, चाहे कुछ भी हो जाए तो अनुसंधान जारी मत रखिए, तबादला जारी है, चीज़ों को क्लियरिटी में रखिए, जो शिक्षक भी भ्रम है, फिर आज से शिक्षक लोग
पढ़ाई से मन उचट जाएगा, पढ़ाना बंद कर देगा, फोन रोजा फोन की संख्या फिर बढ़ जाए, सब लोग अस्थिर हो गया था। कभी ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ होने वाला नहीं है, समय लगेगा। आपको आज किस महीने में हम ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे, कहाँ से कर दीजिएगा ये बताइए ना, कैसे कर दीजिएगा आप। विभाग के बारे में इसका मतलब अपडेट नहीं है कि आपकी टीम तमिलनाडु गई हुई है, तमिलनाडु से पूरे प्रोसेस को अपनाने जा रही है। इस शिक्षा कोष में अभी अटेंडेंस 1 तारीख से बनना शुरू हो रहा है, 1 सितंबर से अनिवार्य हुआ है। इसका मतलब ये भी आपको जानकारी नहीं है कि अब ऐप पर अगर अटेंडेंस आपका नहीं रहा तो आपका वेतन कट जाएगा, यही लग रहा है। और वो ऐप, इस शिक्षा कोष का वो ऐप अभी भी अपग्रेडेशन चल रहा है, 2 महीने का ट्रायल चला, फिर पता नहीं कहाँ समस्याएं होंगी। इस शिक्षा कोष में बहुत सारी आपके डाटा जो है सो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो जहाँ कोई अभी पोर्टल बना ही नहीं है, जो दूर दूर तक जिसकी संभावना नहीं है, अभी मान लीजिए आपको सब खोज रहा होगा कि इस शिक्षा कोष में पोर्टल कहाँ है जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का आवेदन डाल। इसलिए गुमराह मत करिए सर, आप जैसे मंत्री से गुमराह की जरूरत नहीं भाई। ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तो भाई पॉलिटिकल पर्सन जो मंत्री होता है वो भी नहीं करे, वो भी जिम्मेवारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं भाई। आप अपनी जिम्मेवारी, लगता है कि आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे हैं कि आया मीडिया वाला को बैठ दे दिए बात खत्म है, कहाँ अपराधी की पहचान हो गई है, शिनाख्त हो गई, छापेमारी चल रही है, किसी भी समय गिरफ्तारी हो जाएगा। फिर कल पूछेगा तो हाँ उसके 4 जगह छापेमारी हुई है, पुलिस उसके पीछे है, किसी भी दिन हम उसके सफलता हासिल कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ही नहीं ना है, कंक्रीट कुछ बोलिएगा ना। और कंक्रीट अगर आपके पास सूचना नहीं है तो मत बोलिए। अब इस पूरे महीने तक अब देखिए शिक्षक सब परेशान रहेंगे, और कभी पति पत्नी को और विकलांग को, अब विशेष परिस्थिति में इसका कोई कमिटी होगा ना, पोर्टल करेगा वो कमिटी डिसाइड करेगा ना कौन ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। अभी कोई तैयारी नहीं है। और अब दुर्गा पूजा छठ दीपावली आने वाला है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा मंत्री जी कौन कहाँ खोए रहते हैं भाई। राजनीतिक कोई इनको टास्क है नहीं, भागलपुर के प्रभारी थे, दिन भर होटल में सुतल रहते थे, हम तो देखे ही थे, हम तो गए ही थे। तो आपको राजनीतिक कोई कार्यक्रम से कोई मतलब है नहीं, राजनीतिक उठा पटक से भी कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक समीकरण को सहारे नीतीश को मजबूत करें ये भी आप जरूरत नहीं समझते हैं। आपको तो दस्तरी में डीजी सटे, विधायक बने, मंत्री बने, क्या दिक्कत है। लेकिन इन चीज़ों को भी जरा समझिए कि आप जो बोलते हैं ना उसकी से लोग गंभीरता से ले, नहीं तो फिर आपकी बातों को कोई नोटिस लेना छोड़ देगा। शिक्षा विभाग ने करीब करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, या पति पत्नी हैं, या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें। और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें, 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे।